बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु व अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में हम सूरह मुल्क पढ़ने और सुनने के फायदे और बरकात जानेंगे। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सूरह मुल्क के फजाइल व बरकात। सूरह मुल्क कुरान मजीद के 29वें पारे में है और 67वीं सूरह है जो मक्की है और इसमें 30 आयतें हैं। यह मक्का शरीफ में इस्लाम के शुरुआती दिनों में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल मुल्क सूरह की पहली आयत से लिया गया है। जिस तरह कुराने पाक की हर सूरह के अलग अलग फायदे बताए जाते हैं, उसी तरह सूरह मुल्क के भी कुछ ऐसे फायदे हैं जो पढ़ने वाले को दुनिया में भी और इस दुनिया से जाने के बाद कब्र में फायदा देगी। तो इस लिहाज से ये सूरह हर किसी के लिए बहुत अहम है। सूरह मुल्क कब्र में आपके साथ होगी। जब आपके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त कब्र की अंधेरी रात में आपका कोई गमखवार न होगा। ऐसे नाजुक हाल में इस सूरह की बरकत आपके साथ होगी। सूरह मुल्क अल्लाह के अजाब से बचाती है। इस सूरह का रोजाना पढ़ना अल्लाह जल्ला शानहु के गुस्से को ठंडा करेगा और अल्लाह अजब जल्ला के अजाब से बंदे को महफूज कर लेगा। सूरह मुल्क आपकी मगफिरत के लिए सिफारिश करेगी। सूरह अल मुल्क आपके गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह से अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी कि ए अल्लाह अज्जवजल्ला इसको गुनाहों से महफूज फरमा। हजरते सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मालिके बहरोबर, उसने अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफात करती रहेगी यहां तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। और यह है तबारकल लजी बेदीहिल मुल्क। सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमते आलम नूरे मुजस्सम रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी यहां तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी और वो यही सूरह मुल्क है। हजरते सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो उसके कदम कहेंगे तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो यह सूरत अजाबे कब्र से रोकती है। तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क है, जो इसे रात में पढ़ता है बहुत ज्यादा और अच्छा अमल करता है। हजरते सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक सहाबी ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया मगर उन्हें इल्म न था कि यहां कब्र है, लेकिन बाद में पता चला कि वहां किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है और उसने पूरी सूरत खत्म की। वो सहाबी रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा तान लिया मगर मुझे मालूम न था कि वहां कब्र है, जबकि वहां एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोजाना पूरी सूरतुल मुल्क पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ही रोकने वाली है, ये ही नजात दिलाने वाली है जिसने उसे अजाबे कब्र से महफूज रखा। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मेरी ख्वाहिश है कि यह सूरत हर मोमिन के दिल में हो, चांद देखकर इसको पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिनों तक वह सख्तियों से महफूज रहेगा, इसलिए कि यह 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफी हैं। हजरते सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान में 30 आयात की एक सूरत पाता हूँ, जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटाए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाहु रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता उसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपने पर बिछा दे
और उसकी हर चीज से जागने तक हिफाजत करे। और यह मुजादला यानी झगड़ा करने वाली है, अपने पढ़ने वाले की मगफिरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। सरकारे मदीनाए मुनव्वर है सरदारे मक्के मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को आराम फरमाने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत फरमाते थे। हजरते सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हों ने एक आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे एक हदीस तोहफे के तौर पर न दूं जिसके साथ तू खुश हो जाए। उसने अर्ज की, बेशक। तो आपने फरमाया, यह सूरत पढ़ो और अपने अहलो अयाल, अपने तमाम बच्चों, अपने घर के बच्चों और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, इसकी इन्हें तालीम दो, क्योंकि यह नजात दिलाने वाली है और कयामत के दिन अपने कारी के लिए अपने रब के पास झगड़ने वाली है, और यह उसे तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नम के अजाब से नजात दिलाए और इसके सबब इसका कारी अजाब से भी नजात पा जाएगा। मदनी पंजसुरा सूरह मुल्क पढ़ने और सुनने के क्या फायदे हैं? कयामत के दिन सूरह मुल्क पढ़ने से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। एक हदीस के मुताबिक मदनी आक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से हर रात को बिस्तर पर जाने से पहले सूरह मुल्क को पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपको कब्र के अजाबों से निजात मिलेगी। सूरह मुल्क पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सूरह मुल्क रोजाना पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की तरफ से इनाम का हकदार होगा। सूरह मुल्क हमारे ईमान की हिफाजत करती हैं और हमें सही रास्तों पर जाने की नसीहत देती हैं। जो शख्स हर रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोएगा उसकी हिफाजत एक फरिश्ता करेगा। वह रात भर उसे बुरे वसवसे से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने से आपकी दुआ जल्द कबूल होती है। जिंदगी में हौसला बढ़ाने के लिए रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत किया करें। सूरह मुल्क को पढ़ने से आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, दिमाग से टेंशन निकल जाती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इस सूरह के पढ़ने, उसको समझने और उसमें बताई गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए दोस्तों, सूरह मुल्क की तिलावत सुने और इसके फैजो बरकात से मालामाल हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي
صدق الله العظيم.